इन दिनों एक फिल्म बहुत चल रही है जिसका को लेकर बहुत लोग तारीफें कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसके जो है दूसरे पहलू को भी दिखा रहे हैं। तो इसमें एक जो संघर्ष दिखाया गया है, दरअसल ये संघर्ष अगर आप देखें तो तमाम जो बहुजन लोग हैं वो ब्राह्मण को छोड़ के, यानी उच्च वर्ण को छोड़ के, तमाम जो दूसरे वर्ण के सारे विद्यार्थियों को ये सब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ब्राह्मण लड़के ने एक संघर्ष करके उसने वो आईपीएस की एग्जाम क्रैक की, इसलिए उस पर एक फिल्म बन जाती है। जबकि ऐसे बहुत सारे बहुजन बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और रेहड़ियों पर, सड़कों पर, यहाँ वहाँ काम करते हैं, सड़कों पर सोते हैं, और उनका जो संघर्ष होता है इनसे कहीं कई गुना ज़्यादा होता है, उस पर कोई फिल्म नहीं बनती या उसकी चर्चा नहीं होती। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि माता दीन की चर्चा नहीं हुई लेकिन मंगल पांडे की चर्चा हुई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन में हजारों जो बहुजन नायक हैं, चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे फिर सिधो कान्हू हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आहुतियां दी हैं, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कुछ खास जाति के लोगों को आपका नायक बना दिया गया। कुछ इसी प्रकार का काम इस फिल्म ने भी किया है जिसे आप लोग सभी लोग सराह रहे हैं, हम भी सराह रहे हैं। अच्छी बात है, संघर्ष जो है वो एक प्रेरणा देता है, लेकिन यहाँ पर मामला सिर्फ इतना नहीं है। और मामला क्या है इस पर विस्तार से बता रहे हैं दिलीप मंडल, आप उनको सुनिए। करीब 12-15 ऐसे पहलू हैं जिसका उन्होंने इसमें जिक्र किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे। गरीबी से उठकर कामयाबी हासिल करने की फिल्म है, इस तरह से इस फिल्म को पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह से चंबल के एक छोटे से गांव का एक गरीब सा बच्चा दिल्ली आकर किस तरह से आईएएस ऑफिसर बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ये दास्तान है, सिंपल नैरेटिव, एक तरह से तो आप देखें जिसको बोलते हैं कि लीनियर फिल्म है। तकलीफ, गरीबी, संघर्ष, कामयाबी, मतलब स्टेप बाय स्टेप। मैं इस फिल्म में कम से कम 12 ऐसे बिंदु मैं देख रहा हूं, और फिल्मों में आपने भी इसको देखा होगा, शायद इस तरह से ना देखा होगा, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि ये फिल्म गरीबी की फिल्म नहीं है, ये फिल्म हिंदी मीडियम के एक बच्चे के कामयाबी हासिल करने की फिल्म नहीं है, बल्कि ये फिल्म प्रिविलेज की फिल्म है, ये फिल्म विशेषाधिकारों की फिल्म है, ये फिल्म जन्मजात विशेषाधिकारों की फिल्म है। इसका उदाहरण एक एक करके मैं आपको दे रहा हूं। पहला उदाहरण, इस फिल्म को आप चप्पलबाजों की फिल्म कह सकते हैं। इस फिल्म में कई किरदार बार बार चप्पल उठाते हैं और चप्पल से किसी न किसी को मारते हैं या चप्पल दिखाते हैं, और ये सारा कुछ उसी परिवार के लोग करते हैं जिस परिवार के मनोज शर्मा आईपीएस बाद में बनते हैं। सबसे पहली बार चप्पल उस परिवार का जो मुखिया है, मनोज के पिता, मनोज के बाप, वो अपने अधिकारी को, अपने से उच्च पदस्थ, अपने से बड़े पद के एक अधिकारी को चप्पल दिखाते हैं और आरोप लगाते हुए, जिस आरोप की सत्यता शायद हमें नहीं मालूम कि फाइनली उस केस में क्या किस रूप में सेटल हुआ, कि वो लोकल विधायक के लिए काम करता है और इसको कुछ गलत करने के लिए कहा गया है, नहीं करता है तो इसकी बातचीत के बीच में वो चप्पल दिखाता है और इसकी वजह से बाद में फिर उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो पहली बार मनोज के पिता चप्पल दिखाते हैं, दूसरी मारते हैं, बल्कि दो दो बार मारते हैं। दूसरी बार चप्पल मनोज के भाई मारते हैं, जो कि एक जुगाड़ चला रहे हैं, तो वो दोनों वो जो गाड़ियां होती हैं जो वो चला रहे हैं, और एमएलए के एक चमचे को चप्पल मारते हैं। ये दूसरी बार चप्पल का जिक्र आता है। तीसरी बार चप्पल चलते चलते बच जाता है जब मनोज पर लाइब्रेरी का मैनेजर एक एलिगेशन लगाता है और मनोज उनको चप्पल दिखाता है, चप्पल मारते मारते रुक जाता है। अब भारतीय समाज में कोई एक परिवार बार बार चप्पल मार और दिखा रहा है, कितना बड़ा प्रिविलेज होगा जब आप एमएलए के चमचे को चप्पल मार रहे हैं, आप एक विधायक के लिए काम करने वाले एक अधिकारी को चप्पल मार रहे हैं, आप जिनके लाइब्रेरी से आपको पैसे मिल रहे हैं उसके मैनेजर को आप चप्पल मार रहे हैं, ये प्रिविलेज कितने लोगों को हासिल है।
आप इसकी जगह मनोज शर्मा की जगह आप मनोज शर्मा का नाम मनोज मौर्य, मनोज पटेल, मनोज यादव, मनोज आटव, मनोज मीना रख के देख लीजिए। मनोज गुर्जर, चंबल में बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर आबादी है, कोई क्या ये वो भी कर सकता है? सोच कर देखिए, हो सकता है कि कर सकता है, हो सकता है नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, चप्पल के बाद इस फिल्म में बंदूकें भी निकलती है, बंदूक निकलती है। एक डाकिया मनोज के पिता की बर्खास्तगी की खबर लेकर उनके घर आता है, और उसके घर में पहले तो उनका भाई धमकाता है, दादी उनको धमकाती है, फिर दादी कहती है जाज बंदूक अंदर से ले आ, और एक लाइसेंसी बंदूक अंदर से लेके आता है। फायरिंग करने की कोशिश होती है, जब हवाई फायरिंग होकर रह जाती है, घर में लाइसेंसी बंदूक है, और उसकी दादी को ये चलाने का हौसला है, बंदूक चलाने का। सामान्य बात मुझे नहीं लगता है, सामान्य बात है, नॉर्मल नहीं है। भारतीय समाज व्यवस्था में हर किसी को इतना विशेष अधिकार नहीं है कि वो इतना शौर्य, इतना साहस दिखा सके, और दिखाकर भी आप एक सरकारी अधिकारी पर, कर्मचारी पर बंदूक की फायरिंग करते हैं, और इसके बावजूद आप बिल्कुल साफ बचे रह जाते हैं, बल्कि करने का आपको साहस ही कहाँ से आता है? तो विशेषाधिकार की लिस्ट में ये दूसरी कहानी। तीसरी कहानी ये है, जो मनोज के भाई और मनोज जब मिलकर वो जुगाड़ चला रहे होते हैं, और एमएलए के गुंडे या चमचों के साथ उनकी लड़ाई होती है, उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है, जुगाड़ उनका रोक कर। थाने में दोनों भाई का झगड़ा होता है वहां के थानेदार के साथ, और बात यहां तक पहुंचती है कि मनोज के भाई कहता है कि जा मनोज घर से बंदूक ले आ, दुनाली ले आ। और थानेदार मनोज को दुनाली ले जाने के लिए जाने देता है। क्या भारतीय थाने में यह संभव है कि कोई दो नौजवान लड़के ये करके और थानेदार के साथ निकल जाए? मुझे तो लगता है कि वो वहां पर एक एनकाउंटर आम तौर पर भारतीय थाने की स्थितियों में, जितना मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, ये सामान्य स्थिति नहीं है। और वहां से मनोज दौड़ता हुआ डीएसपी के घर पे पहुंच जाता है, डीएसपी का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है, डीएसपी को वहां पूछता है, व्यवस्था पूछता है, डीएसपी उसकी बात सुन लेता है, और डीएसपी आकर थाने में दोनों भाइयों को छुड़ा देता है। इतने सारे संजोग, सबके साथ संभव है क्या? क्या इतनी आसान बात है? इतना नॉर्मल है? तब ये देश क्या इतना, ये ऐसे ही लीनियर तरीके से चल रहा है? तो मुझे लगता है कि दूसरा प्रिविलेज भी जो है, तीसरा प्रिविलेज, वो भी आमतौर पर सामान्य भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है, मनोज शर्मा और उसके परिवार के लिए उपलब्ध है। तो ये एक तीसरी असामान्य बात। चौथी बात, इस फिल्म को अगर कोई ये कहता है कि गरीबी, गुर्बत और बहुत नीचे से उठ के संघर्ष करते हुए सतह फोड़ कर निकल कर एक आदमी कामयाबी हासिल कर रहा है, मनोज के पिता, मनोज के दादा भारतीय फौज में नॉन कमीशन ऑफिसर, मतलब संभवतः जेसीओ सूबेदार पद पर हैं, और वहां से उसकी वजह से उनकी दादी को पेंशन मिलती है, पिता सरकारी कर्मचारी हैं, घर में जमीन है, गाय है, तो ये कोई बीपीएल परिवार तो नहीं है, मतलब कोई कहे कि ये एकदम गरीबी से उठकर कामयाबी हासिल करने की कहानी है। तो इस फिल्म में जो दिखाया गया उसके हिसाब से उसकी पुष्टि, तो घर में लाइसेंसी बंदूक है, मतलब ये सामान्य स्थिति नहीं है, घर से पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भेजा जा रहा है, इतने पैसे हैं, हाई कोर्ट पर मुकदमे लड़े जा रहे हैं, तो ये सामान्य परिवार नहीं है, मतलब एक प्रिविलेज वाला ही परिवार है। ठीक है, मतलब बहुत राजा महाराजा नहीं है, लेकिन मतलब एकदम भिखारी भी नहीं है, मतलब उस तरह का परिवार भी नहीं है। एक और जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात देखनी चाहिए, वो पांचवा बिंदु है, कि घर के अंदर जो चर्चा चलती है, बल्कि एक और बात इसमें जोड़ लीजिए कि पिता घर में कविताएं सुना रहा है, भारत में कविताएं विताएं कौन सुनाता है, मतलब शास्त्रीय कविताएं सुनाई जा रही है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जैसी कविताएं सुनाई जा रही है, तो कविता पाठ भी हो रहा है, तो घर ठीक ठाक घर है, मतलब कुल मिलाकर जो मेरे कहने का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक घर के अंदर चर्चा बार बार चलती है कि 12वीं पास कर लेगा तो इसको नौकरी मिल जाएगी, ये कॉन्फिडेंस भी बहुत असामान्य सा कॉन्फिडेंस है, मतलब 1995 में आया, 2005 में आईपीएस बनते हैं मनोज शर्मा, तो उस समय तक रोजगार की इतनी सामान्य स्थिति नहीं थी, उससे 4 साल पहले की कहानी मान लें तो 2000 के आसपास, बच्चा 12वीं पास कर लेगा तो इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये कॉन्फिडेंस भी असामान्य है। ये कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आता है देखना पड़ेगा, इसका भी स्रोत जानना पड़ेगा कि ये कॉन्फिडेंस 12वीं पास कर लेगा तो बस सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये भी बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश वगैरह में बेरोजगारी का जो हाल है उसमें ये बहुत सामान्य कहानी नहीं है। छठा पॉइंट,
मनोज ग्रेजुएट हो जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए वो ग्वालियर आते हैं, वहां पर उनका बक्सा खो जाता है जिसमें उनके सारे रुपये रखे हुए हैं, संकट में है। ऐसे समय में एक होटल में जाते हैं और होटल वाला उनको बैठा कर खाना खिलाता है और पैसे नहीं लेता। ये भी मनोज ने वहां पर अपना पूरा नाम बताया है कि नहीं बताया, इस फिल्म में बताया नहीं गया है, लेकिन इस ये सामान्य स्थितियों में ये होता नहीं। मतलब इतने सारे अच्छे संजोग लाइफ में होते हैं, अगर किसी के हो रहे हैं तो इसका मतलब वो असाधारण कुछ भाग्य या कुछ और लेकर आया है, पता नहीं। जिस पर मुझे तो यकीन नहीं है कि ये कोई कहानी सिंपल है। वहाँ एक कोई मिस्टर पांडे मिलते हैं, वो उसको दिल्ली ले आते हैं। ये भी मतलब क्या मिस्टर पांडे को ये पता चला होगा कि वो मनोज शर्मा है? मनोज शर्मा की जगह क्या कोई और नाम होता तो भी वो ले आते? आप विचार कीजिए, मुझे लगता है कि कहानी यहाँ पर भी लीनियर नहीं है, जटिल जटिल है। दिल्ली आने के बाद मनोज की लाइफ में गौरी भैया आते हैं, जिनको ओबीसी बताया गया है, और ओबीसी होने के नाते 6 बार वो छठी बार प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी की, मेंस क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू देंगे, तो वो एक तरह से शागिर्दी में इनको ले लेते हैं और बहुत सारी तरह से उनको मदद करते हैं। गौरी भैया बाद में जब वो अपने इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं तो चाय की दुकान खोल लेते हैं। मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली में, क्या पूरे देश में, जो सिविल सर्विस की परीक्षा 2 बार पास कर चुका है मेंस, वो चाय एक तो नहीं ही बेचेगा, वो कुछ और कर लेगा। बहुत सारी उसकी काबिलियत का एक लेवल होगा जहां पर वो कुछ और उसको करते हुए मुझे लगता है कि देखना चाहिए। दिल्ली में मैंने नहीं सुना है कि कोई ऐसा चाय वाला होगा जो यूपीएससी मेंस 2 बार क्लियर करके चाय बेच रहा होगा। तो ये भी, और चाय का ठेला ठेला चला रहा होगा, होटल चला सकता है ढंग का, कुछ और कर सकता है। बहुत नॉर्मल नहीं है, लीनियर नहीं है, हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ होता है। फिर गौरी भैया मनोज शर्मा को अपना घर दे देते हैं, एक नौकर दे देते हैं, और उसके बाद वो तैयारी करता है। तो ये सब भी मतलब इतने संजोग किसी एक आदमी के जीवन में आते नहीं है। श्रद्धा जोशी के साथ जो मतलब एक तरह से मेरा 8वां पॉइंट है कि श्रद्धा जोशी के साथ जो अफेयर फिर मनोज का होता है, ये भी जोशी और शर्मा के अफेयर में कोई नॉन लिनियरिटी नहीं है। मतलब वो कोई कंटिन्यूटी कहीं पर ब्रेक नहीं है, भारतीय समाज के हिसाब से ही वो सारा कुछ है। और सब कुछ होते हुए भी जब पता चल जाता है मनोज श्रद्धा के पिता को कि लड़का अब मेंस क्लियर कर चुका है, या मेंस मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, तो फिर वो उसको आने देते हैं, इंटरव्यू के समय भी वो आती हैं। तो मतलब एक सुखद अंत की तरफ कहानी बहुत आसानी से, ऐसी प्रेम कहानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि जोशी वेड शर्मा इज नाउ इट्स नॉर्म, इट्स नॉर्मल थिंग, इट्स कॉमन सेंस के हिसाब से ये एक सामान्य सी चीज है। कोचिंग में एडमिशन भी मिल जाना, मतलब बहुत गरीब परिवार का होने से दिल्ली के अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाना भी इस तरह से हो नहीं सकता है। तो ये भी एक बिंदु है जिस पर कि विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक नॉन लिनियरिटी है। वैसे ये नवा पॉइंट है मेरी पूरी बातचीत का। 10वां पॉइंट एक बहुत चौंकाने वाली बात है, ये आमतौर पर होता नहीं है कि मनोज की लाइफ में एक आईएएस टॉपर आते हैं, और फिर वो मनोज एक दिन टहलते हुए उनके घर पे जाता है। उस समय वो बड़ा अधिकारी बन चुका है, सारी सिक्योरिटीज वगैरह वो पार करके वो जाता है घर के अंदर और मेंटोर करते हैं। फिर मेंटोरशिप उसको मिल जाती है उस आईएएस ऑफिसर की। ये भी बहुत असामान्य सा संयोग है जो आमतौर पर लोगों की लाइफ में नहीं होने वाला है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि उनको आईएएस टॉपर से गाइडेंस मिल जाएगा, तो ये कितने लोगों की लाइफ में होगा? मतलब 1 लाख में 1 या 1 लाख में 2 बहुत हुआ तो। आमतौर पर ये होता नहीं। तो मनोज की पृष्ठभूमि का इसमें कितना योगदान है, ये एक देखने वाली बात है। इस पूरे फिल्म का जो सबसे जटिल पहलू है मुझे लगता है वो है मनोज का इंटरव्यू। मनोज इंटरव्यू में एंटर करते हैं और जिस तरह से वो जवाब देते हैं, आपने भी देखा होगा, वो एक भाषणबाजी वाले अंदाज में बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उस तरह से चलती नहीं है। तो उसको कायदे से फिर कह दिया जाता है कि आप बाहर जाइए। इस बीच में यह भी देखा जाता है कि बहुत सामान्य से अंग्रेजी का एक शब्द बोला जाता है, तो उसका वो मतलब पूछता है मनोज। मैं सोचता हूँ कि एक आदमी अगर ग्रेजुएट है और उसके बाद 4 साल दिल्ली में अगर सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसमें वो हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, द हिंदू पढ़ रहा होगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा होगा, सारे लोग पढ़ते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाला अगर हिंदी से भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये अखबार तो पढ़ता ही पढ़ता है, इंग्लिश न्यूज चैनल देख रहा होगा निश्चित रूप से, सबको कहा जाता है देखने के लिए। उसको इतनी सामान्य सी अंग्रेजी का शब्द क्यों नहीं समझ में आया? और ये न समझ में आना अगर मनोज शर्मा की जगह किसी और के साथ होता तो किसको कितना बड़ा गधा माना जाता है। तो
बहुत सारे मैं एक बल्कि आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूँ जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, आए हैं, उन्होंने अंग्रेजी में मेहनत की, अंग्रेजी में उन्होंने परीक्षा दी और इंग्लिश में इंटरव्यू देकर पास आउट होकर आज विभिन्न जगह विभिन्न पदों पर है। तो ये संघर्ष किए बगैर भी मनोज महान है, और वो हिंदी एक सामान्य अंग्रेजी का शब्द भी नहीं जानता है, मतलब ये भी बहुत अजीब सी बात है। इससे बड़ा आश्चर्य होता है कि इंटरव्यू बोर्ड उनको दोबारा बुलाता है, जो आमतौर पर बहुत ही अजीब सा संयोग है। इंटरव्यू बोर्ड का कास्ट कंपोजिशन मुझे नहीं मालूम कि उसमें किसी ने अपना वजन रख दिया होगा, लेकिन उस समय कोई पीएससी का के मेंबर्स की लिस्ट अगर मैं देख रहा हूँ 2005 के, तो पूरी तरह से सवर्ण बोर्ड था उसमें। हालांकि और बाहर से एक्सपर्ट्स वगैरह बुलाए जाते हैं, भिन्न उसमें वर्ग के लोग हो सकते हैं। ये कुछ तो हुआ है जो बहुत सामान्य नहीं है, जिसकी वजह से ये हुआ होगा, और ये मुझे चौंकाता है। ये भी एक प्रिविलेज के बगैर मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। एक जो एक 12वां प्रिविलेज मुझे लगता है इसमें यह भी है कि देखिए, अगर आप उस तरह से देखें तो भारत में विभिन्न भाषा समुदायों के लोग हैं, तमाम लैंग्वेज के लोग हैं। दिल्ली में होने की वजह से आप अगर हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंग्लिश के बाद आप प्रिविलेज की सीढ़ी में दूसरे नंबर पर हैं। उसके बाद वाले के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई कन्नड़ में आके इंटरव्यू दे दे, तो इंटरव्यू बोर्ड के तो लगभग सारे मेंबर कह देंगे हमें तो कन्नड़ आती नहीं है, तो इंटरव्यू हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक तरह का प्रिविलेज है असल में, आप दूसरे लैंग्वेज के मुकाबले कहीं ना कहीं आप प्रिविलेज पोजीशन में खड़े हैं। तो ये 12 बिंदु के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि मनोज फिर जो कामयाबी है उसको कैसे देखा जाए। दो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क मुझे यहाँ पर मदद करते हैं इस बात को समझने में कि ये क्या हुआ होगा। नंबर वन, प्रोफेसर पेगी मैकिंटोस का व्हाइट प्रिविलेज की जो थ्योरी है वो मुझे इस मामले को समझने में मदद करती है। और दूसरी थ्योरी है सी राइट मिल का सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इन दोनों थ्योरीज को अगर आप पढ़ें, इसके छोटे छोटे वीडियोज आप देख सकते हैं, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बाय सी राइट मिल एंड व्हाइट प्रिविलेज बाय प्रोफेसर पिगी मैकिंटोस, इन दोनों को अगर आप छोटे छोटे वीडियोज में देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस पूरे परिघटना को समझने में आसानी होगी। जैसे होता है ना, एक कोई एक कैंडिडेट थी ना जो अभी 2-3 साल पहले, जिससे पूछा गया था कि साड़ी का आपका जो फॉल है उस पर किसकी डिजाइन बनी हुई है, और उसको उस साल का इंटरव्यू की वो टॉपर थी, 215 नंबर मिले थे, जो उस साल का सबसे ज्यादा नंबर था। तो इंटरव्यू बोर्ड अपने सामाजिक बायसेस के साथ ही होता है, लोग अपना समाज और अपनी पृष्ठभूमि पीछे छोड़ के तो आ नहीं सकते, आदमी आसमान से तो टपक नहीं सकता है। इसका बायस का लाभ अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से मिलता है, लेकिन चूंकि इंटरव्यू बोर्ड में और यूपीएससी में सवर्ण ज्यादा होते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा इसमें वेटेज है। इस पर काफी रिसर्च भी हो चुका है कि इंटरव्यू में किस तरह से जो सवर्ण कैंडिडेट है उनको ज्यादा प्रेफरेंस आता है। तो ये एक फैक्ट है जो कि रॉयल हॉलोवे लंदन के एक रिसर्चर अरविंद कुमार ने भी इस पर रिसर्च किया, काफी लोग इस पर रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, फैक्ट है, जानती है सरकार भी जानती है समस्या है। तो ये एक दो सोशल जो फ्रेम है इसमें, तो ये देखिए प्रिविलेज जो है वो हमेशा विजिबल नहीं होता है, जिसको मिल रहा है उसको भी कई बार विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो उसके साथ चल रहा होता है, और खास समय में उसको वो निकाल कर उसका इस्तेमाल कर ले सकता है। ये लगभग आपके बैंक की वो एफडी है जिसके बारे में आपको भी पता नहीं, लेकिन वो है, और जब आपको जरूरत पड़ती है और बैंक आप खंगालते हैं तो आपको एक एफडी मिल जाती है। इस तरह की चीज है कि आप इस समय आप बता दें होटल में कि मेरा नाम मनोज पांडे या मनोज शर्मा है, और इसकी वजह से होटल का मालिक आप पर बेनेवोलेंट हो जाए, ये इस प्रिविलेज को समझ पाना उतना आसान नहीं। जो इस्तेमाल कर रहा है उसका दोष भी नहीं है, लेकिन वो उस प्रिविलेज को हासिल कर रहा है। एटलीस्ट ईमानदारी की उम्मीद उससे की जाती है कि उसको पता रहे जब वो इस्तेमाल कर रहा है कि मैंने इस प्रिविलेज का इस्तेमाल किया है, या इंटरव्यू में जब उसको दोबारा बुलाया गया तो उसको पता होना चाहिए कि अगर एक शेड्यूल कास्ट का कोई कैंडिडेट होता तो शायद उसको दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ओबीसी कैंडिडेट होता तो उसको नहीं बुलाया जाता। इस प्रिविलेज को समझने की जरूरत है। तो प्रिविलेज जो मतलब है, जो एक मतलब नैपसैक है, बैग बैकपैक की तरह है, जिसमें आप जो आपके पास रखा होता है। सबके पास अलग अलग प्रिविलेजेज हैं, कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ता है तो उसके प्रिविलेज हैं, उसको एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है, कॉलेज में उस तरह से अच्छे जगह पढ़ता है तो उसको नेटवर्क मिल जाता है, बाप जिनके अफसर हैं उनको उनके दोस्तों का नेटवर्क मिल जाता है, जो अगर वकालत में घुस रहा है और उसके बाप अगर जज हैं तो उसको कोलिजियम में बेनिफिट मिल जाता है। तो ये सब प्रिविलेजेज हैं, इसका इस्तेमाल हर आदमी नहीं करता है, लेकिन उसके पास होता है और अक्सर जब जरूरत पड़ती है तो लोग कर लेते हैं। तो ये जो इनविजिबल नैपसैक है, इनविजिबल बैकपैक है, ये मनोज के कंधे पर लदा हुआ है। मनोज
को मैं उसके लिए दोष नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने उसका उसका पैदा हुए जहाँ हुए तो हुए, अब उस प्रिविलेज वाले परिवार के में अगर पैदा हुए तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, या वो प्रिविलेजेस के साथ चल रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो निकाल के उसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, मनोज ने इसका इस्तेमाल किया है। दूसरी जो थ्योरी है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की, उसको भी हमको समझने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति की जो कहानी है उसके साथ एक समय की भी कहानी चलती है। तो एक आदमी का की जो बायोग्राफी है और टाइम की जो जर्नी है, इनके बीच में जगह जगह चीजें फिर इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्ट करती हैं, उन इंटरसेक्शन पर ट्रूथ है। एक आदमी की कामयाबी उसकी निजी कामयाबी नहीं है, उसको समय ने कहाँ कहाँ अलग अलग ढंग पे उसको क्रिस क्रॉस किया है, इससे भी किसी आदमी की कामयाबी या नाकामयाबी को देखना चाहिए। जैसे अगर आपने 2009 में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और इस अगर उस साल आपको नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ने लिखने में खराब थे। 2009 चूंकि मंदी का साल था और उस समय उस साल नए प्लेसमेंट्स नहीं हुए जनरली, आमतौर पर डाउनसाइजिंग थी, इस वजह से 2009 में आपकी बायोग्राफी 2009 में काट रही है उस जगह पर जब आप प्लेसमेंट चाह रहे हैं और इस वजह से आप फेलियर हैं। तो इसी तरह से आपके समाज की भी एक जर्नी है, आपकी एक जर्नी है, उस समाज में जो प्रिविलेज है उनको प्रिविलेज का फायदा मिलता है। अभी हम नहीं कह सकते कि प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें प्रिविलेज मिल रहा है और हमारी कामयाबी सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं, इसके पीछे जो 25-30 संयोग आपके जो मैंने गिनाए ये सारे संयोग हैं, इसलिए मैं पढ़ा हूँ, ये संयोग मुझे इसलिए मिल रहा है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में मैं हूँ, हर किसी को नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बाकी लोगों का यूपीएससी में नहीं होना इस वजह से नहीं हो रहा है कि वो कम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए करें वो क्योंकि उनको वो सारे संयोग उनकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। तो इस बात को मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। अगर मैंने इस समीक्षा के जरिए आप लोगों का दिल दुखाया है तो मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का ही था, मैं आपके तय मानदंडों को तोड़ना ही चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।